इम्पोर्टेंट हमारा पिज्जा बेस के अलावा कुछ हमारे को चाहिए मेयोनेज़ और हमें चाहिए सॉस, पिज्जा सॉस। ये है हमारे पास ओरिगैनो, पर ये पिज्जा हर्ब्स का है। और हमें चाहिए सब्जियां, आप इसे कच्ची भी डाल सकते हैं, और हमें तो फ्राइड वाले पसंद, तो हम फ्राइड वाले भी डालेंगे। और 2 स्पून चीज एंड 1 प्लेट। सो बहुत टेस्टी पिज्जा बना सकते हैं। अब जो पिज्जा था एकदम अच्छे से लगानी है, अब थोड़ी देर के लिए सॉस मसाले और मैंने लिया है मेयोनेज़ और ये सो अब थोड़ा सा मेयोनेज़ और इस सॉस लगाई है उसके ऊपर ही स्प्रेड कर दी है अच्छे से। देखिए क्या ये थोड़ा गलत मिक्स हो गया, थोड़ा सा ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है कलर, तब आपको पता लग जाएगा और हर साइड से अच्छे से लगा। कच्ची भी डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और अब हमें तो फ्राइड वाली खानी है, हमने फ्राइड वाली ही ले ली। इसमें मैंने बस कैप्सिकम और प्याज और टेस्टी लगा है पिज्जा में। अच्छे से लग गई, अच्छे से स्प्रे कर लीजिए गाइस। और अब इसके ऊपर हमें चीज को फैलाना है, बट मैं आपको एडवाइस दूंगी कि वो आपको ऐसे से नहीं करना चाहिए, तो मैं ये अपनी मम्मी से करवा के आपको दिखा दूंगी अभी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी चीज ग्रेट कर रही है, और ये बहुत खतरनाक होता है, तो मैंने तो कराई नहीं, मैंने अपनी मम्मी से ही करवा रही हूँ। देखिए कितना सारा चीज टेस्टी लगेगा, बहुत ज्यादा। सो अभी चीज लग के है कि मेरी मम्मी ने तेल लगा के उस पे पिज्जा रख दिया है, और ये अभी बेक हो जाएगा। इसके बाद में कैप भी लगानी होगी अच्छे से। अभी थोड़ी देर में हमारा पिज्जा हो जाएगा रेडी। गाइस हमने इस पे नमक डाल दिया है और काली मिर्च डाल दी है, आप चाहते तो डाल सकते हैं वरना हम नहीं डालेंगे काली मिर्च। और ये देख सकते हैं गाइस कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। सो मैं आप सोच रहे हैं गत्ते के यहाँ पे क्यों खड़ा है, आपको मैंने पिछले वीडियो में इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया था, तो आज गत्ते इसे टेस्ट करके हमें बताएगा पिज्जा कैसा है। सो हम इसे एक बाइट दे देते हैं, जिसे टेस्ट करके बता कि कैसा है। कैसे अच्छा है, आप भी अपने घर में इसको बना सकते हैं। कहते का तो बहुत टेस्टी लगा ये पिज्जा, आप भी ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई कीजिए और टेस्टी टेस्टी पिज्जा खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बाय बाय।